हे एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10x12 के रूम में अगर आप विनाइल फ्लोरिंग शीट इंस्टॉल कराते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या आती है, टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या आती है। ऑल्सो इस वीडियो में हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे विनाइल फ्लोरिंग शीट का। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि इस रूम का जो लंबाई है वो है 12 फीट और जो इस रूम की चौड़ाई है वो है 10 फीट, टोटल है 120 स्क्वायर फीट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला जो पीस है वो कट कर लिया है विनाइल फ्लोरिंग शीट का। ऑलराइट, सो अब हमने विनाइल फ्लोरिंग शीट का जो पीस है वो कट करने के बाद अब हम इसकी पेस्टिंग करेंगे। सो पेस्टिंग होगी इसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर एडहेसिव लगाएंगे पहले हम, एंड जो इसका बेस है फ्लोरिंग, जो आपका एग्जिस्टिंग फ्लोर है उसके ऊपर भी हम एडहेसिव लगाएंगे। दो लेयर लगेगी एडहेसिव की, बट उससे पहले आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका फ्लोर है वो स्मूथ हो, इवन हो एंड क्लीन हो। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मूथ मतलब कि एकदम सपाट हो, क्लीन हो एंड ईवन हो, ऊपर नीचे ना हो, गड्ढे वड्ढे ना हो। ऑलराइट, सो झाड़ू पोछा हमने लगा लिया था, अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडहेसिव है वो लगा रहे हैं। विनाइल शीट पर हमारा जो एडहेसिव है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली अब हम जो आपका फ्लोर है, एग्जिस्टिंग फ्लोर है, उस पर भी एडहेसिव लगा देंगे। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो आपको प्रॉपरली एडहेसिव लगाना है, दूसरी बात आपको अच्छी क्वालिटी का एडहेसिव लगाना है। मार्केट में बहुत लोग लोकल एडहेसिव भी लगा देते हैं, ऑल्सो ऐसा भी होता है कि वो बीच बीच में एडहेसिव लगा देंगे, कॉर्नर्स में एडहेसिव लगा देंगे, बट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं विदाउट लीविंग एनी स्पेस हम प्रॉपरली हर जगह एडहेसिव लगा रहे हैं, ताकि कहीं से भी फ्लोरिंग जो है वो छूट ना जाए या फिर उसके अंदर कहीं से भी बबलिंग वगैरह ना हो जाए। ऑलराइट, ये देख सकते हैं पंखा भी खुला हुआ है ताकि जो एडहेसिव है वो अच्छे से सूख जाए, अच्छे से उसका इंस्टॉलेशन हो जाए। अब हम इसको पेस्टिंग करेंगे एंड इसको अब हम प्रेस करेंगे। प्रॉपरली आपको प्रेस करना है, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्टेप इंश्योर करता है कि जो आपकी फ्लोरिंग है वो प्रॉपरली पेस्ट हो रही है, उसके अंदर कहीं से भी कोई बबल वबल नहीं है। ऑल्सो अगर नीचे कोई पत्थर वत्थर है या छोटा मोटा कुछ डस्ट वस्ट रह गया है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको पहले निकालें एंड देन उसको अच्छे से पेस्ट करें। हमारी जो एक साइड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बस जो ये स्कर्टिंग वाला एरिया है ये बचा है। ये आप देख सकते हैं स्कर्टिंग होती है, स्कर्टिंग मतलब जो ये साइड में आपकी 4-4 इंच की जो वॉल्स के नीचे पट्टियां होती है फ्लोर के साथ ही होती है, वो रह गई हैं, तो वो भी साथ ही लग जाती है, सिमिलरली लग जाती हैं। उसके ऊपर भी आपने एडहेसिव लगाना है, पेस्ट कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कटर जो विनाइल फ्लोरिंग शीट है उसकी कटिंग हो रही है। अभी तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें एंड डू पुट इन योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ये आप देख सकते हैं फिनिशिंग, सो एक साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है एंड सिमिलरली अब दूसरी साइड भी हम विनाइल फ्लोरिंग शीट का एक जो लेयर है वो लगा देंगे। तो पहले आप देख सकते हैं हमने ये जो रोल है वो एक बारी बिछा के देखेंगे। इवन दो हमें पता है कि 10 फीट इसकी चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है, बट स्टिल बेटर रहता है कि एक बार आप बिछा के देख लें ताकि कोई भी गलती ना हो। अगर 2-3 इंच का भी अगर छोटा सा अगर गैप रह जाता है तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं हमने पूरा बिछा के देखा पहले एंड देन अब स्कर्टिंग वाला एरिया है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप 6 इंच का हमने ऐड कर दिया एंड अब इसकी हम कटिंग कर देंगे एंड सिमिलरली इसकी पेस्टिंग हो जाएगी। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि बीच में भैया कोई जॉइंट तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें बीच में एक जॉइंट आएगा। सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आप देख लेंगे कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि एज सच कोई जॉइंट भी था। इतनी फिनिशिंग से भैया ये काम करते हैं, ऑल क्रेडिट गोज़ टू भैया जो ये विनाइल फ्लोरिंग शीट इंस्टॉल कर रहे हैं।
ऑल्सो अगर आपको हमारे से विनाइल फ्लोरिंग शीट, विनाइल प्लैंक्स, वॉलपेपर्स, आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट्स अगर आपको हमसे परचेज करने हैं एंड इंस्टॉल कराने हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसकी जानकारी मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो दूंगा। आपको हमारा कंप्लीट एड्रेस एंड व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे शोरूम भी विजिट कर सकते हैं। जो सेकेंड लेयर थी वो भी ऑलमोस्ट हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। अब बस एक चीज़ बची है जो है बीच में जॉइंट। तो ये आप देख सकते हैं जॉइंट जो है उसको मैच किया जाएगा प्रॉपरली। उसके लिए क्या करते हैं हम कि जो 2 इंच होता है उसको ओवरलैप कर देते हैं, मतलब 2 इंच जो नीचे वाला बेस है 2 इंच जो उसके ऊपर लगा है ओवरलैप होता है 2 इंचेस। उसके बाद उसकी कटिंग हो जाती है एंड देन जो जॉइंट होता है उसको प्रेस कर उसको मैच किया जाता है। सो ये आप देख सकते हैं उसकी कटिंग हो गई है। अब इसमें से ये पीस निकलेगा, उसके बाद इसकी ऐसे पेस्टिंग हो जाएगी। अभी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि बीच में आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे कि ऐसा कोई जॉइंट भी था। ऐसा लगेगा कि पूरे रूम में एक ही लेयर शीट की बिछाई गई है, ये आप देख सकते हैं। सो अगर आपको हमारा काम पसंद आया है मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक। आप एक एक चीज़ देखिए, सारे एजेस देखिए, सारे जॉइंट्स देखिए। इवन दो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 10x12 की कॉस्टिंग दिखाई है, बट हमने पूरे फ्लोर पर, ये अप्रॉक्सीमेटली 500 स्क्वायर फीट था, तो हमने पूरे फ्लोर पर इस पे विनाइल फ्लोरिंग शीट ले करी थी, विनाइल फ्लोरिंग शीट इंस्टॉल करी थी। आई होप आप लोगों को हमारा काम पसंद आया होगा। मेक श्योर दैट यू पुट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। Let me tell you that we have successfully completed over 200 orders of vinyl flooring. So when I say vinyl flooring, I mean both vinyl plants as well as vinyl sheet in the last 1 year. I'm really thankful to all our viewers and subscribers. The amount of love, respect and support you have guys shown us is just phenomenal. We will continue to provide the best possible solutions and guidance to all your interior related problems. So now let's first calculate the cost of vinyl flooring sheet with installation. जो ये room था, इसकी जो लंबाई है, length है, वो है 12 feet. And जो इसकी width है, वो है 10 feet. Including skirting. I hope आपको skirting समझ आ गई होगी. जो side में 4-4 इंच की पट्टियां होती है, उसको include करा है. तो जो total area है square feet में, वो है 120 square feet. 12 फीट इसकी लंबाई है, 10 फीट इसकी चौड़ाई है इस रूम की। सो टोटल एरिया जो हो गया वो 120 स्क्वायर फीट हो गया। तो हमें 120 स्क्वायर फीट फ्लोरिंग चाहिए। ऑलराइट, सो जो फ्लोरिंग का प्राइस है पर स्क्वायर फीट, दैट इज 20 रुपीज पर स्क्वायर फीट। जो ये टोटल कॉस्ट आ गई विनाइल फ्लोरिंग शीट की, वो आ गई 2400 रुपीज। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है लेबर, एक आता है आपका एडहेसिव। ये एडेसिव की बात करते हैं, 1 लीटर एडेसिव लगेगा ऑलमोस्ट। 1 लीटर एडेसिव में आपका 100 से लेकर 130 स्क्वायर फीट तक एरिया कवर हो जाता है। सो जो 1 लीटर पर लीटर एडेसिव की जो कॉस्ट है वो है 300 रुपीज। ऑलराइट, एंड लेबर का जो मिनिमम चार्ज है वो है 500 रुपीज। सो अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें, टोटल हो गया 500 रुपीज का आपका लेबर का कॉस्ट एंड 300 रुपीज आपका एडेसिव का कॉस्ट, विच मेक्स इट 800 रुपीज। सो 2400 रुपीज की आपकी फ्लोरिंग हो गई एंड 800 रुपीज का आपका इंस्टॉलेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि पास ही था, सो 200 रुपीज हम अज्यूम कर लेते हैं। जो टोटल कॉस्ट आई इसकी वो है अप्रोक्सीमेटली 3400 रुपीज। बट लेट मी टेल यू, जो हमारा प्राइस है विद इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, एडेसिव इन दिल्ली, वो है 25 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सो अगर हम इस रूम की बात करें, 120 स्क्वायर फीट का ये एरिया है, 25 रुपीस पर स्क्वायर फीट हमारा चार्जेस है विद इंस्टॉलेशन एंड फ्लोरिंग एंड एवरीथिंग। सो इसका जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 3000 रुपीज। ऑलराइट, 3000 रुपीज में आपका ये रूम जो है वो कवर हो जाएगा। ये जो चार्जेस है वो दिल्ली के हैं। दिल्ली में हम मिनिमम जो एरिया कवर करते हैं वो है 250 स्क्वायर फीट। बात करें अगर हम फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा की, उसके अंदर जो हमारा मिनिमम एरिया है वो हम कवर करते हैं 500 स्क्वायर फीट। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी पीवीसी प्लांक्स की कॉस्टिंग पर, कि एक रूम में अगर आपको पीवीसी प्लांक्स इंस्टॉल करवाने हैं तो उसकी क्या कॉस्टिंग रहती है। अगर आपको एडवांटेजेस जानने हैं पीवीसी फ्लोरिंग के, सो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स है या फिर आप प्लान कर रहे हैं पीवीसी फ्लोरिंग अपने घर अपने ऑफिस में करवाने का, सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो चेकआउट करें, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो जाए। मेक श्योर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको वॉलपेपर्स, फ्लोरिंग, मैट्रेसेस, सोफा रॉ मटेरियल, आर्टिफिशियल ग्रास एंड अदर इंटीरियर प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन, हमारे ऑफर्स, हमारी डील्स और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।